वेलकम टू यूट्यूब का आशीष सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ये टीवाई बीकॉम और जितने भी टीवाई बैक या टीवाई बीबीआई के स्टूडेंट्स हैं, उन सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि ये चैप्टर जितना ही ईजी है उतना ही ज्यादा वेटेज भी रखता है पेपर पैटर्न के अंदर। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर करना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। ध्यान देते हैं क्या दिया, देखो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन चैप्टर का नाम ही फॉरेन करेंसी है। फॉरेन करेंसी का मतलब क्या होता है, फॉरेन करेंसी वो करेंसी होती है जो अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी, ऐसे बोल सकते हैं कि इंडिया के अंदर है तो इंडिया के अंदर रुपीज चलता है, तो अदर देन इंडिया इज अ फॉरेन कंट्री, अदर देन इंडिया इज अ फॉरेन कंट्री, तो इंडियन रुपीज को छोड़ के बाकी जितनी भी करेंसीज ऑल अराउंड इंडिया है, ठीक है, ऑल अराउंड वर्ल्ड है, वो सारे के सारे अपनी फॉरेन करेंसी है, चाहे वो डॉलर हो, यूरो हो, जापानीज येन हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर, ठीक है। इंडियन रुपीज को छोड़ के किसी भी तरीके के रुपीज डॉलर्स में या यूरोज में हम लोग डील करते तो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन आ जाता है। तो ट्रांजेक्शन होता क्या है, ट्रांजेक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है इम्पोर्ट, दूसरा होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इम्पोर्ट, दूसरा होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इम्पोर्ट, दूसरा होता है एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट जो बंदा इंपोर्ट करता है उसको हम लोग इंपोर्टर बोलेंगे, जो बंदा एक्सपोर्ट करता है उसको एक्सपोर्टर बोलेंगे, इंपोर्टर एक्सपोर्टर, इंपोर्टर एक्सपोर्टर। इंपोर्टर किसको बोलेंगे, जो बंदा परचेज करेगा, ठीक है। व्हेनेवर यू गोइंग टू परचेज द कमोडिटी फ्रॉम अनदर स्टेट या अनदर कंट्री, ठीक है, जब आप किसी और देश से कोई सामान खरीदते हो तो उसको हम लोग बोलेंगे इंपोर्ट। जब हम लोग किसी और देश से सामान खरीदते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इंपोर्ट। इंडिया ने यूएसए से सामान खरीदा, यूएसए ने इंडिया को सामान बेचा, तो इन दैट केस इंडिया इज अ इंपोर्टिंग कंट्री, इंडिया कौन है, इंपोर्टिंग कंट्री है। सेम एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, व्हेनेवर वी सेल द प्रोडक्ट, व्हेनेवर वी सेल द प्रोडक्ट टू द अनदर कंट्री, जब हम लोग किसी और देश को कमोडिटी बेचते हैं तो हम लोग हो जाते हैं एक्सपोर्टर, हम लोग क्या हो जाते हैं, एक्सपोर्टर, ठीक है। यहाँ पे इंडिया ने यूएसए को सामान बेचा तो इंडिया हो गए एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो ट्रांजेक्शन कितने तरीके के होते हैं, दो, आइदर इंपोर्ट और आइदर एक्सपोर्ट, आइदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब परचेसिंग ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट मतलब सेलिंग ऑफ गुड्स। तो ट्रांजेक्शन भी इसी तरीके से आएगा, ठीक है, इसके अलावा थर्ड नहीं आएगा। आपको दो ही तरीके के सम होते हैं, या तो इम्पोर्ट आएगा या तो एक्सपोर्ट आएगा, ठीक है। तो अब उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या ट्रांजेक्शन होने वाले है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले जेनेट्रीज ऑफ इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। इंपोर्टर कौन होता है, जो बंदा परचेस करता है, और एक्सपोर्टर कौन होता है, जो बंदा सेल करता है, ठीक है। तो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, इंपोर्टर व्हेन एवर यू गोइंग टू परचेज द कमोडिटी फ्रॉम अनदर कंट्री इज नोन एज इंपोर्टर। इसका मतलब यहां पर किसके बारे में बात होगी, परचेज, ठीक है। तो परचेज ऑफ गुड्स भी हो सकता है, परचेज ऑफ असेट्स भी हो सकता है, तो इट डजंट मैटर, आपके लिए आपने कुछ भी परचेज किया होगा, डजंट मैटर, परचेज तो परचेज होता है। अब मुझे बताओ, आपने परचेज किया, सामान आएगा कि जाएगा, आएगा कि जाएगा, आएगा, वेरी गुड, आ रहा है तो डेबिट साइड, आ रहा है तो डेबिट साइड, आ रहा है तो डेबिट, ठीक है। तो यहां पे परचेज ऑफ गुड्स, तो यहां पर आप लिखोगे इंपोर्ट। अगर आपने गुड्स परचेज किया तो गुड्स लिखोगे, अगर आपने असेट्स परचेज किया तो असेट लिखोगे, यानी इंपोर्ट मशीनरी, इम्पोर्ट प्लांट एंड मशीनरी, इम्पोर्ट मोटर व्हीकल, इम्पोर्ट गुड्स, यानी अगर आपने गुड्स खरीदा तो इम्पोर्ट गुड्स, यानी वहां पर एक वर्ड आपको लगाना पड़ेगा इम्पोर्ट गुड्स। इम्पोर्ट मतलब होता है खरीदना, तो आपने गुड्स खरीदा, इम्पोर्ट गुड्स या असेट्स। अकाउंट डेबिट, किससे खरीदा, पार्टी का नाम आ जाएगा, किसका नाम आ जाएगा, पार्टी का। ए इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम बी, ए ने बी से माल खरीदा, ए ने बी से माल खरीदा, तो ए ने बी से माल खरीदा, ए हो गया मेरा इंपोर्टर, बी हो गया मेरा एक्सपोर्टर। तो हम लोग एक्सपोर्टर के बारे में फिलहाल नहीं सोच रहे, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे पार्टी, यानी मैंने जिससे खरीदा वो मेरी हो गई पार्टी। तो अगर ए पास करेगा तो ए क्या एंट्री पास करेगा, इंपोर्ट गुड्स अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, ठीक है। परचेस किया, परचेस किया तो क्या आएगा, इंपोर्ट गुड्स। सीधी बात है, खरीदने के बाद पैसा देना पड़ेगा, खरीदने के बाद पैसा देना पड़ेगा, तो पैसा देने के टाइम पे दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, ध्यान दो। अभी
अब हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द रेट। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेट्स के बारे में। आपको कंफ्यूजन नहीं लेना है, रेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक होता है मेरा डीलिंग रेट, एक होता है मेरा डीलिंग रेट, ठीक है, जिसको हम लोग प्यार से बोलेंगे डीआर। डीआर, डीआर मतलब डीलिंग रेट। मानो मैंने आज अमेरिका से इनफोकस करके एक मोबाइल आता है उसको खरीदा $12,000 में, $12,000 में मैंने एक मोबाइल ऑर्डर दिया, $12,000 में मैंने उसको मोबाइल ऑर्डर दिया, मानो एग्जांपल दे रहा हूं। और जब मैंने वो ऑर्डर बुक किया तो आज की रिपोर्टिंग यानी आज का रेट था 60 रुपीज, यानी वो फोन मेरा हो गया 7,20,000 रुपीज का। कितने का फोन हो गया? 7,20,000। तो जिस रेट में मैंने परचेस किया वो रेट को मैं बोलूंगा डीलिंग रेट। जिस रेट में मैंने परचेस किया उसको मैं क्या बोलूंगा? डीलिंग रेट। ओके, अब मैंने वो डील हो गई कि हाँ भाई मुझे माल खरीदना है 60 रुपए के रेट, यानी मैंने 12,000 का फोन था, 60 रुपीज का रेट था, 7,20,000 में डील क्रैक हो गई। अब भाई साहब मुझे माल क्या करेंगे? डिलीवर करेंगे। डिलीवर करने के बाद मैं उसको क्या दूंगा? पेमेंट दूंगा। तो अब मेरे पास स्टेज आता है मेकिंग अ पेमेंट, मेकिंग अ पेमेंट। अब मैं पेमेंट दे रहा हूं, पैसा दे रहा हूं तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा। तो एंट्री आएगी पार्टी अकाउंट डेबिट, यानी कि पार्टी के पास जाए तो पार्टी इज द रिसीवर, तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब क्या हुआ, ये फोन जो था $12,000 का वो मेरे घर तक आया 12 दिनों बाद, आफ्टर 12 डेज, ठीक है। मैंने $12,000 का चेक बना के दे दिया, $12,000 का चेक बना के दे दिया। अब वो चेक गया अकाउंट में क्लियर होने के लिए, बैंक के पास क्लियर होने के लिए, और उस जिस दिन वो क्लियर हुआ उस दिन रेट चल रहा था 66 रुपीज। कितना? 66। अरे भाई मैंने तो डील 60 रुपीज पे किया था ना, लेकिन पेमेंट कौन से रेट से किया? 66। तो ये होता है, इसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। एक होता है हमारा एक्सचेंज रेट, इस एक्सचेंज रेट को हम लोग बैंक रेट भी बोलते हैं। कौन सा रेट बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसको एक्सचेंज रेट बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखो, पार्टी के नाम के आगे हमेशा डीलिंग रेट लिखना, बैंक के नाम के आगे हमेशा एक्सचेंज रेट लिखना। अगर कैलकुलेशन में कोई भी डिफरेंस आता है, कैलकुलेशन करते समय कोई भी डिफरेंस आता है, ठीक है, तो उस डिफरेंस को, डिफरेंस इन अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू FEF अकाउंट। इस FEF को हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, और जिसे हम लोग एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट। कोई तकलीफ? ठीक है, यानी अगर जैसा कि सर के समझ में नहीं आया, मैंने 60 रुपए से कोई सामान डील किया था भाई, मेरे को 60 रुपए के हिसाब से मिलना, लेकिन जिस दिन उसकी डिलीवरी हुई, जब मैं पेमेंट देने के लिए गया तो उस दिन रेट हो गया 66। अब बोलो मैंने डील किया था 60 से, आज देना पड़ा 66, 6 रुपए ज्यादा दे रहा हूँ कि कम दे रहा हूँ? ज्यादा दे रहा हूँ। तो मेरे लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ। तो लॉस हुआ का अमाउंट कहाँ जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में जाएगा। सर लॉस हुआ तो FEF डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? भाई FEF अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट जो होता है वो होता है मेरा नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी 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 अगर आपको लॉस हुआ है, अगर आपको लॉस हुआ है तो FEF अकाउंट डेबिट करोगे। FEF अकाउंट क्या करोगे? डेबिट करोगे। और अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप FEF अकाउंट क्रेडिट करोगे, ठीक है। FEF अकाउंट क्या करोगे? क्रेडिट। वापस कह रहा हूं,
यानी आपने माल खरीदा, माल खरीदने के टाइम पे आपकी डीलिंग रेट थी 60 रुपीज, लेकिन जब आपको पेमेंट देने की बारी आई तो पेमेंट देने के टाइम को आपको रियलाइज हुआ कि आपको 66 रुपीज देनी पड़ी, तो 6 रुपए आपने ज्यादा दिया। ज्यादा दिया मतलब आपके लिए लॉस होगा, लॉस होगा तो एपीएफ अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मानो ये 60 की जगह पे आपको 56 ही देना पड़ा, तो 4 रुपए आपके लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट है तो एपीएफ अकाउंट क्या जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका इंपोर्टर के क्राइटेरिया में। क्लियर, कोई डिफरेंस, कोई डिफिकल्टी? पक्का इस तरीके से आपके एग्जाम्पल्स आए। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा नॉलेजेबल तरीके से देखना है। अब हम लोग ट्राई करेंगे हम लोग एक्सपोर्टर की एंट्री क्रैक करने की। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है, एक्सपोर्टर की एंट्री की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सपोर्टर की एंट्री। एक्सपोर्टर कौन होता है, जो माल बेचता है। तो यहाँ पर पहला ट्रांजेक्शन आएगा सेल, तो सेल ऑफ गुड्स भी हो सकता है, असेट्स भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपने माल बेचा तो समथिंग समवन इज रिसीवर, तो रिसीवर का नाम बता, ऐसा बोल सकते हैं पार्टी अकाउंट, पार्टी अकाउंट डेबिट टू, आपने एक्सपोर्ट किया तो यहाँ पे लिखोगे एक्सपोर्ट गुड्स, और अगर आपने असेट्स एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट असेट्स आ जाएगा। ठीक है, आपने माल बेचा तो जो जिस रेट पे आपने माल बेचा उसको हम लोग बोलेंगे डीलिंग रेट। क्या बोलेंगे, डीलिंग रेट, यानी जिस दिन आपने एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया, जिस दिन आपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया, जिस दिन आपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट भी किया, उस दिन के रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, डीलिंग रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डीलिंग रेट। उसके बाद जब आपने बेच ही दिया तो अभी आप क्या करोगे, पैसा रिसीव करोगे, तो यहां पर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या होगा, रिसीविंग अ पेमेंट, रिसीविंग अ पेमेंट, रिसीविंग अ पेमेंट। तो पैसा मिल रहा है भाई, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट किससे मिलेगा, पार्टी से मिलेगा, तो पार्टी अकाउंट क्रेडिट। सिंपल, मैंने फिर बताया पार्टी के नाम क्या के कौन सा रेट आएगा, डीलिंग रेट आएगा। बैंक के नाम क्या के कौन सा रेट आएगा, एक्सचेंज रेट आएगा। इफ देयर इज एनी डिफरेंस तो वो डिफरेंस कहां जाएगा, एफईएफ अकाउंट में जाएगा। एफईएफ अकाउंट मतलब फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, जिसको हम लोग एक्सचेंज डिफरेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, वही सेम चीज। अभी सर इसका एग्जांपल कैसा, मान लो मैंने माल बेचा, मैंने जब माल बेचा तो 60 रुपीज के रेट से बेचा, तो ये 60 रुपीज मेरा हो गया डीलिंग रेट। अब मैंने माल तो बेच दिया, सपोज मैंने चिंगचांग ऑफ चाइना, ठीक है, चिंगचांग ऑफ चाइना को मैंने माल बेचा, माल बेचने के टाइम पे 60 रुपीज का डीलिंग रेट था, लेकिन जिसको माल रिसीव होगा, मैंने बोला भाई पेमेंट भेज, उसने मुझे पेमेंट भेजा, मैंने देखा कि मेरे अकाउंट में जब पेमेंट आया तो 62 रुपीज के रेट से आया। अरे भाई जब मैंने डील किया था तो 60 था, जब मेरे अकाउंट में पैसा आया तो डीलिंग रेट क्या हो गया, सॉरी एक्सचेंज रेट क्या हो गया, 62। तो 2 रुपए ज्यादा आया है कम आया, 2 रुपए ज्यादा आया, ज्यादा मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट आया तो एफईएफ अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज, उसने जो मुझे पेमेंट दिया वो डॉलर में दिया, डॉलर का पेमेंट जब मैंने अकाउंट में डाला तो अकाउंट में कन्वर्जन होने के बाद वो रेट हो गया 58, यानी डील क्या था 60 के हिसाब से, पैसा आया 58 के हिसाब से, तो 2 रुपए मेरा क्या हो गया निगेटिव, निगेटिव मतलब लॉस, लॉस मतलब एफईएफ अकाउंट क्या जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सम करना है। यानी एंट्री सिर्फ दो ही एंट्रीज है, एक तो परचेस, दूसरा सेल। परचेस किया तो एक एंट्री, सेल किया तो दूसरी। इंपोर्टर होगा तो परचेस, एक्सपोर्टर होगा तो सेल। अब आपने परचेस किया तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा, सेल किया तो पेमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, इतना डिफिकल्टी आपका क्लियर हो गया। अब इसमें कोई डिफिकल्टी रहेगी तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में पूछ के। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे पेमेंट कैसे मिलता है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपको जो चीजें सिखाने जा रहा है, मैंने जो चीजें आपको सिखाई उसको आपको इस तरीके से याद रखना है कि जब मैं परचेस करूंगा तो परचेस करने के टाइम पे मेरे को 60 रुपीज का रेट है, जो भी रेट है वो मेरा डीलिंग रेट है। आज के परचेस करने का पैसा लोगे कि दोगे, परचेस करने के बाद आप पैसा दोगे, तो देखने का कि जो रेट मैंने डील किया उसके बाद जो पेमेंट दे रहा हूं वो दोनों के रेट में ज्यादा दे रहा हूं कि कम दे रहा हूं, ज्यादा दे रहा हूं लॉस, कम दे रहा हूं प्रॉफिट। ठीक है, मैंने खरीदा 60 रुपीज से, पेमेंट देने के टाइम पे 63 होगा, 3 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है, लॉस या प्रॉफिट, लॉस। अगर कम दे रहा हो तो प्रॉफिट। सेल किया, माल बेचा, माल बेचने के टाइम पे मेरे को 60 रुपीज मिलना चाहिए, वेरी गुड। जब मुझे पेमेंट का टाइम आया तो मुझे पता चला कि 62 मिला, ज्यादा मिल रहा है, 2 रुपए ज्यादा मिल रहा है, क्या प्रॉफिट है, लॉस, प्रॉफिट। 2 रुपए कम मिल रहा है, 3 रुपए कम मिल रहा है, क्या हो गया, लॉस, लॉस हो गया तो एफईएफ अकाउंट डेबिट। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है कि आपको खुद इंपोर्टर और एक्सपोर्टर बनके आपको इमेजिन करना है। अब सम किस तरीके से होता है,
कभी भी याद रखो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर का सम जो होगा, ठीक है, उसमें एक ट्रांजेक्शन परचेस का होता है, एक ट्रांजेक्शन सेल का होगा, लेकिन उसका जो पेमेंट होगा ना वो वन शॉट पेमेंट कभी नहीं होता, पेमेंट विल बी पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट मतलब क्या, यानी सपोज आपने $100,000 का सामान सेल किया है, ठीक है, $100,000, तो सेल करने का पैसा आना चाहिए कि जाना चाहिए, आना चाहिए, तो कभी भी उसका पेमेंट आपको वन शॉट में नहीं मिलेगा। जो आपकी पार्टी होगी ना वो पार्टी आपको 3 से 4 बार में पेमेंट देती है, मान लो 4 बार में पेमेंट दे रही है, उसने बोला $25,000 एक बार में दूंगा, दूसरे में $25,000 दूंगा, फिर $25,000 दूंगा, फिर $25,000, यानी वो पेमेंट कितनी बार में कर रहा है, 4 बार में कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब 4 बार में कर रहा है तो 4 बार 4 अलग अलग रेट होंगे, तो उस रेट को हम लोग बोलेंगे एक्सचेंज रेट। क्या बोलेंगे? एक्सचेंज रेट। लेकिन खरीदा या बेचा तो आपने एक ही बार है, आपने बेचा तो एक ही बार है, तो इस रेट को हम लोग क्या बोलेंगे? डीलिंग रेट बोलेंगे। और हर दिन के रेट यानी जो डेट वाइज आपको रेट दिया रहेगा वो आपका होगा एक्सचेंज रेट। अब मैंने माल बेचा, माल बेचने के टाइम पे एंट्री क्या आएगी? पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन जब पैसा रिसीव करने का टाइम आएगा तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी। बैंक के आगे एक्सचेंज रेट, पार्टी के आगे डीलिंग रेट, ये दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो मेरा कहां पर जाएगा? FEF अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अब आपको कभी भी याद रखना बैंक और पार्टी के बीच में एक लाइन छोड़ के रखना है, बैंक और पार्टी के बीच में एक लाइन छोड़ के रखना है, वो एक लाइन इसीलिए होगा क्योंकि वहां पर FEF अकाउंट आपका आने वाला है। प्रॉब्लम ये नहीं होता, अब वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ द सम, जहां पर आपको पार्ट पेमेंट, ठीक है, पार्ट पेमेंट का जो एक इंस्टॉलमेंट होता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस के पार्ट पेमेंट में, जैसे यहां पे 25,000 का एक इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं। अब ये इंस्टॉलमेंट अगर, ठीक है, ऑल इंस्टॉलमेंट सेटल्स एट, या ऐसा बोल सकते ऑल इंस्टॉलमेंट सेटल्स बिफोर 31st March, ठीक है, तो क्या होगा? अगर आपके इंस्टॉलमेंट 31st March को सेटल कर दिए जाते हैं, ठीक है, आपके इंस्टॉलमेंट 31st March को तक सेटल कर दिए जाते, ऑल इंस्टॉलमेंट सेटल्स बिफोर 31st March, तो यहां पर आपको एक FEF अकाउंट को का जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा उसको आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या कह रहा हूं मैं, वापस बोल रहा हूं, अगर आपके इंस्टॉलमेंट के सारे इंस्टॉलमेंट 31st March के पहले क्लियर कर दिया जा रहा है तो आपका जो FEF अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर होगा उसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है, ठीक है। मानो ये 25, 25, 25, ये जो लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट है वो अप्रैल में जा रहा है, तो अप्रैल कब आ रहा है? 31st March के बाद। तब क्या होगा? If any installments due after 31st March, यानी ऐसा कोई installment जो 31st March के बाद जाएगा, तब क्या होगा? In that case you need to be pass two separate entries। पहला, आपको एडजस्ट करना है आउटस्टैंडिंग, उसके बाद आपको करना है ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अगर आपका कोई इंस्टॉलमेंट 31st March के बाद जाता है, ठीक है, समझने के लिए आपको एक सम देखना ही पड़ेगा, ठीक है। वी आर गोइंग टू कवर ऑल द थियरी पार्ट, तो यहां पर मैं थियरी कवर कर रहा ताकि आप लोग कुछ छूटे रहे, सम करने के टाइम पे आपको डिफिकल्टी नहीं आए, सम करने के टाइम पे हमने एक बार वापस करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा वो। तो कोई भी इंस्टॉलमेंट अगर 31st March के बाद जाता है तो आउटस्टैंडिंग आएगा, इन दैट केस आपको करना क्या है उसको हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग रेट। 31st के रेट को क्या बोलेंगे? क्लोजिंग रेट। तो आपको क्लोजिंग रेट और डीलिंग रेट, ठीक है, दोनों का क्या देखना है? डिफरेंस। आपको क्लोजिंग रेट और डीलिंग रेट दोनों का क्या देखना है? डिफरेंस देखना है। क्या देखना है? डिफरेंस।
अब देखो डिफरेंस के बाद क्या बोल रहा हूं मैं। आउटस्टैंडिंग है क्लोजिंग रेट और डीलिंग रेट। मानो मैं इंपोर्टर हूं, मानो मैं क्या हूं इंपोर्टर हूं, मैंने कोई माल खरीदा था 60 रुपीज के हिसाब से। सर आपकी गाड़ी 60 पे अटकी है, 60 इजी एग्जांपल होते हैं। 60 रुपीज में मैंने माल खरीदा था, मैंने परचेस किया 60 के हिसाब से, ठीक है। मैंने पेमेंट देने में थोड़ा सा देरी हो गया, तो मैं पेमेंट उसका 31 मार्च के बाद दे रहा हूँ। अब मैं 31 मार्च के दिन क्लोजिंग रेट आ गया 65, क्लोजिंग रेट क्या हो गया 65, 60 रुपीज मेरा डेली रेट था, 65 मेरा क्या हो गया एक्सचेंज रेट हो गया। ये हो गया मेरा क्लोजिंग रेट, कौन से रेट, क्लोजिंग रेट। यानी आज के बाद मैंने माल खरीदा था 60 रुपीज से, लेकिन आज के बाद मुझे 60 रुपीज नहीं देना, आज के बाद मुझे 65 रुपीज देना है। क्लोजिंग रेट, जब आपका क्लोजिंग रेट आता था वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। क्लोजिंग रेट का मतलब था आज के बाद मुझे 60 रुपीज नहीं देना है, मुझे आज के बाद 65 रुपीज देना है। इसका मतलब मुझे 5 रुपया ज्यादा देना है, 5 रुपया ज्यादा देना है। अब मुझे बताओ खरीदने के बाद अगर 5 रुपया आप ज्यादा दोगे तो प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। लॉस की एंट्री क्या आएगी बेटा? एफईएफ अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, ठीक है। एफईएफ अकाउंट डेबिट टू पार्टी। तो अगर आपका डिफरेंस आता है, अगर आपका डिफरेंस आता है, ठीक है, अगर आपका डिफरेंस आता है, डिफरेंस इन रेट्स, ठीक है, कभी जब आपका क्लोजिंग हो रहा है, ठीक है, तो आपको या तो प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा। प्रॉफिट हुआ तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू एफईएफ अकाउंट, और अगर लॉस हुआ तो एफईएफ अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। कोई डिफिकल्टी? दो ही पॉसिबिलिटी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। और जब आपका ये सेटल हो जाए तो सेटल होने के बाद आपको एफईएफ अकाउंट का लेजर बनाना, लेजर में उसकी पोस्टिंग करनी, और एफईएफ अकाउंट को क्लोज करके जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो कहां पर जाएगा? एफईएफ अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आपको कहां पर डालना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपकी सारी थ्योरी, यहां पर सारी की सारी थ्योरी मैंने कवर करने की कोशिश करी है। इस थ्योरी का यूज आपको कब समझ में आएगा? जब तक आप लोग कोई सम देखोगे नहीं, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या सिखाने वाला हूँ? सम्स सिखाने वाला इंपोर्टर के। तो इंपोर्टर के हम लोग 2 से 3 सम्स करेंगे, एक्सपोर्टर के 2 से 3 सम्स करेंगे, और 1-2 सम हम लोग ऐसे करेंगे जहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों आएगा, ठीक है। सॉरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर इस वीडियो का आपको पसंद आता तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो मैं इस चैनल पर लेके आते रहता हूँ, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।